नोटबंदी का फैसला किसका था, सरकार का या फिर आरबीआई का? इसको लेकर रविवार को संसदीय समिति ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से 10 तीखे सवाल पूछे थे, जिसमें उनकी भूमिका को लेकर जवाब मांगा गया था। हाल ही में उन्हें 20 जनवरी से पहले समिति के सामने पेश होने को कहा गया है। इस बीच खबर है कि ये फैसला पूरी तरह सरकार का था और सरकार ने ही आरबीआई को पत्र लिखकर कहा था कि वो अपने बोर्ड के सामने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव पेश करे। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के ऐलान से 6 महीने पहले ही संबंधित विभागों के बड़े अधिकारियों की एक टीम ने इस पर काम शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस प्रस्ताव पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने विचार किया और उसे 8 नवंबर को मंजूरी दे दी, जिसके तुरंत बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले टीवी संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के ऐलान के बाद जाने माने अर्थशास्त्रियों और विपक्षी दलों ने यह सवाल किया था कि सरकार ने किस आधार पर यह फैसला लिया। इसी के मद्देनजर संसदीय समिति नोटबंदी के फैसले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यह खुलासा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में बताया था कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया था, सरकार ने उनकी सलाह पर निर्णय लिया। एक तरफ सरकार कह रही है कि यह फैसला आरबीआई का है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि सरकार ने आरबीआई को यह प्रस्ताव दिया था। ऐसे में सच क्या है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।